कोई दबंग पैदा नहीं होता है, उसके पीछे एक कहानी जरूर होती है। स्वागत नहीं करोगे हमारा, नहीं भी करोगे तो भी हम आएंगे, आगे जो उखाड़ना है उखाड़ लो है। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि और ये है इस हफ्ते का मिर्ची बायोस्कोप। अब दबंगई पर चलते हैं। एक चीज है, जितनी बार हम सीक्वल देखकर आते हैं उतनी बार हमारा कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। और कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि देखो, ओरिजिनल जो है वो हमेशा ओरिजिनल ही होता है, वो भी वन पीस। वैसे आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें, हमारी दादी हमेशा जो बात कहती थी हमसे कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा बेटा। अब इसे फिल्म का तो कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ, तीन से दबंग तीन जरूर है, यानी कि दबंग थ्री इस हफ्ते की फिल्म। एक तरफ तो देश में आजकल पुलिस हमारी जो है वो वायरल हो रखी है, तो दूसरी तरफ हम फिल्म में बात करें तो सलमान खान वायलेंट ना होने की कस्में खा रहे हैं। वो अलग बात है कि फिल्म के हर दूसरे सीन में तोड़ फोड़ है भाई साहब, फुल ऑन। फिल्म दबंग थ्री की कहानी की बात करें तो फर्स्ट हाफ जो है वो बेसिकली फ्लैशबैक में चलता है, मतलब कहानी तो दबंग वन से भी पुरानी हो जाती है, जहां पे पुरानी आशिकी और पुराना दुश्मन फिल्म में प्रकट होता है। भाई, पुरानी आशिकी में अक्सर खुशी जो है वो झलकती है, तो देखिए खुशी के किरदार में है यहाँ पर। एक मिनट, साइड प्रोफाइल से तो ये सोनाक्षी सिन्हा लग रही है। नहीं नहीं, सोनाक्षी नहीं है, ये नई एक्ट्रेस है, साई मंजरेकर। तो वहीं हमारे विलन यानी कि पुराना दुश्मन जो है वो कौन है, सुदीप, जो कि हमारे साउथ के एक्टर है। अभी देखो इनके साथ क्या होता है तो ये सुखड़ू पहलवान जिनको विलन बना दिया है, पर जब जब ये फिल्म में एंट्री लेते हैं तो गब्बर वाला बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो चलने लगता है। अब ऑडियंस है कंफ्यूज। फिल्म के सेकेंड हाफ की हम बात करें तो कॉलर पे चश्मा चढ़ा के मूंछों के बांध लगा के लगा गए हैं विलन के पीछे, सेटवेट के जल लगा के कितनों के कंटाप दिए हैं, बेहद नुकसान किए हैं, डार्लिंग तेरे लिए दिल तेरे नाम किए हैं, डार्लिंग तेरे लिए सलमान खान बने हैं सिर्फ डार्लिंग तेरे लिए। व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। देखो, सलमान की फिल्मों में आपको कहानी मिले ना मिले, पर सोशल मैसेज तो भर भर के मिलते हैं। इस फिल्म की कहानी में भी वो सारे मैसेज है, जैसे कि आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए, पर एक मैसेज ऑडियंस भी देना चाहती है। फिल्म में ना इतने गाने भी नहीं होने चाहिए। माना कि भाई साल का आखिरी महीना चल रहा है, तो इसका मतलब क्या कि ईयर एंड सेल में आप सारे गाने खरीद के लेकर आएंगे और एक ही फिल्म में डाल देंगे? नॉट फेयर, नॉट फेयर। और प्रभु की लीला तो देखो, दर्शकों को क्या चाहिए इन्हें बहुत अच्छे से पता है, तभी तो प्रभु देवा ने अपने दर्शन को देकर दर्शकों को खुश कर दिया। देवा रे देवा, प्रभु देवा। दबंग थ्री के पॉपकॉर्न एंड फ्लॉपकॉर्न का जहां तक सवाल होता है, तो देखो बॉलीवुड में सिर्फ दो तरह की फिल्में बनती है, एक जिसमें सलमान होते हैं और एक जिसमें सलमान नहीं होते, और जिसमें सलमान होते हैं उसमें तो सलमान ही होते हैं, और वो फिल्म सलमान खान के फैंस के लिए होती है। तो ये फिल्म सलमान खान की है और सलमान खान के फैंस के लिए है। बाकी बीच में मेरा काम होता है मिर्ची देना, तो मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा ना, तो मैं मिर्ची दे देती हूँ। तो फिल्म को 5 में से 3 मिर्ची। आई लव यू सर, आई लव यू टू। अरे अंजलि ने बोला तो फाइनल।